दोस्त है मेरी, आगे बढ़े ज़िंदगी में, आज उसका जन्मदिन है। बहुत अच्छा इंटरटेन कर रही है लोगों को, बहुत अच्छा काम कर रही है। बहुत छोटे शहर से आके लड़की बहुत आगे धीरे धीरे बढ़ गई है और बहुत आगे जाना चाहिए उसको, ऐसी मेरी दुआएं हैं। क्योंकि बहुत मेहनती है, अपने माँ बाप की बड़ी इज्जत करती है, अपने दोस्तों से प्यार करती है। शी इज़ गुड। नहीं प्रोजेक्ट पाइपलाइन में नहीं, अभी मैं एक वेब सीरीज़ किया हूँ और थोड़ा सा काम ढूंढ रहा हूँ। अगर आपके पास कुछ काम हो तो मुझे दीजिएगा। अब ये टाइटल बना दो, एजाज खान काम ढूंढ रहे। एजाज, लॉकअप सीजन टू में आपका काफ़ी जिक्र हो रहा है, काफ़ी लोग चाहते हैं कि आप आओ और खुल के लोगों से आपकी जितने भी पल बीते हैं वो शेयर कीजिए। अच्छा, लॉकअप की स्टोरी शेयर करने के लिए लॉकअप जाना पड़ेगा, ऐसा बोल रहे हो? यस। नहीं, लॉकअप वाले अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, आजकल प्राइस बढ़ा दिया मैंने। लॉकअप क्या जाऊँ यार, मैं अभी मैंने ये रियलिटी शो बहुत सारे कर दिए, आई हैव डन इनफ। मैं बिग बॉस 2-3 बार गया, खतरों के खिलाड़ी किया, ये किया। आई एम ओके विथ नाउ, थोड़े अच्छे प्रोजेक्ट करूँ, कुछ अच्छे रोल करूँ। थोड़ा लंबा गैप हो गया है, आई एम हैप्पी कि कुछ अच्छे काम आ रहे हैं, काम करो। यार मेरी अंदर हमारे सीएम साहब से मुलाकात हुई थी, ये सबसे हुई थी। आप ये आदिल के बारे में पूछ रही है मुझे, आपकी फ्रेंड रह चुकी है राखी। राखी मेरी दोस्त है, बहुत अच्छी है, लेकिन मेरी जितनी दोस्त है उनकी पर्सनल लाइफ में जो चल रहा है मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करता हूँ। यू नो दे हैव अ रिलेशनशिप, दे ब्रोक अप, अभी नाउ व्हाट दे हैव अ प्रॉब्लम,
I'm not a judge. I'm not a lawyer. I am a friend. I think Rakhi ki personal life hai, wo Rakhi dekh le. If she need me, she will call me. I'm there for my friends. But wo umrah kar kar aaiye, kya kehna chahoge? Bahut achhi baat hai, Allah usko aur hidayat de, Allah usko bahut tarakki de zindagi mein. Bahut paak jagah pe jaake aaiye, bahut achhi cheez hui hai. Main yahi kahunga ki Rakhi, you are good enough alone, yaar tere ko kya zarurat hai? अकेले छिल कर अब तू ऐसी जगह जाके आई है, अल्लाह से जो मांगा हुआ तूने तुझे मिल जाएगा यार. जस्ट चिल, डोंट मेक योर लाइफ पब्लिक यार, छोड़, डोंट डू इट. आई लव यू. अरे अभी तो उसने पूछा, बोला तो सही. आपने कोई अच्छा सवाल पूछने वाला है इधर? मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ, इंडिया नाम का अलायंस बना है पर राहुल गांधी काफी हार्ड वर्क कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इंडियन एयरलाइंस के ऊपर? पहले इंडियन एयरलाइंस को ये कहूंगा, प्लीज फ्लाई ऑन टाइम. दैट्स द थिंग, इफ यू फ्लाई ऑन टाइम एवरीथिंग विल चेंज इंशाल्लाह. यार अभी मैं 10 किलो वजन कम किया, मेरी जान क्या खान का फिटनेस है, ऐसे थोड़ी जाएगा. बेटा इसके लिए पैसा लगे आएगा तेरे पास. इसका जवाब 2024 में देंगे इंशाल्लाह. लेकिन 2024 से ही मेरे इलेक्शन होने वाले हैं, तो वो तभी पता चलेगा ना. अभी सस्पेंस क्यों बोल रहा है? एजाजी, एजाजी, एक सवाल मेरा है, क्या आपने जवान का ट्रेलर देखा? भाई शाहरुख खान यस बाप आदमी है. आपने देखा उसमें एक डायलॉग था कि मेरे बेटे को टच करने से पहले मेरे बारे में जान लेते, तो ये काफी रिलेटेबल डायलॉग हो जाता है, फैंस लोग काफी रिलेटेबल कर रहे हैं. आपने आर्यन को जेल में आपकी मुलाकात हुई थी, आपने बोला था इस जाने दे रहे मेरे भाई, जाने दे, कुछ भी नहीं है. वो आर्यन खान है और वो शाहरुख खान है, वो बता दिया वो कौन है. डायलॉग को जहाँ रिलेट करना है वो करो, लोगों की जिंदगियाँ ख़राब मत करो भाई. लोग हम तो झेल लेंगे, वो तो बच्चा था. एनी वे आई कैन फाइट, आई एम अ फाइटर. छोटा बच्चा था यार, उसका करियर शुरू नहीं हुआ. चलो मेरा तो शुरू होने के टाइम पे तुम कितनी बार ख़राब करो, ठीक है, उसका शुरू हो रहा था. बाद में 169 देते हो, देट इनोसेंट था, पहले समझ में नहीं आता है. ये हमारा हिंदुस्तान है. लेट मी चिल यार भाई, मैंने सब थोड़ा दिमाग ठंडा लेके चलता हूँ आजकल. तुम लोग गरम मत करो यार, तुम्हारे कुछ मिलियन मिलियन व्यूज के लिए. एक बात बताऊं याद है, मैंने पहले रोज कहा था, बिछड़ गए तो मौज उड़ाना, वापस लौट के मेरे पास मत आना. एक बार जो जाए रोए तड़पे या पछताए, मैं फिर उससे मिलता नहीं हूँ, साथ में उसके चलता नहीं हूँ. घूम जाता हूँ, खो जाता हूँ, मैं पत्थर का हो जाता हूँ. डायलॉग ला भाई, एक बार पहले विजुअल ये बात कर देना भाई. भाई एक बार बोल दे सर, राजी है सारे, राजी है. बढ़िया भाई, बढ़िया बढ़िया भाई. आज हाँ जी, हाँ जी, तो आ रहे हो भाई आप लोग मेरे अंदर. ओ भाई, सारा भाई जोगिंदर, और बताओ आपका भी साथ में वीडियो. चलो कोई नहीं, अरे भाई क्या नहीं किया गौतम जी को, अर्चना जी को कर दिया ना सबने. चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है, बोलो बोलो बोलो. भाई हरियाणा से सीधा मुंबई आया अर्चना गौतम जी को बर्थडे विश करने के लिए, और थैंक यू आप लोगों का, आप लोग यहाँ पर आए हो आज. तो मैं यही कहूंगा कि तुम लोग भी जाओ अर्के काटो मैम के साथ, ठीक है भाई? एक और बात कही जाए, बोलो बोलो. बॉस के ओटीटी में अभी एल्विस की जीत हुई है, तो उस बारे में क्या कहना चाहोगे? भाई एल्विस की जीत हुई है अपने हरियाणा का, भाई जीता है, अच्छी बात है, बढ़िया है ना. सामने तो भाई
अपना भाई जीता हरियाणा का, बहुत अच्छी बात है। और मैं तो यही कहूँगा कि जो भी आए और भाई जीत के जाए, सब जीतने के लिए आते हैं OTT में, है ना। और पब्लिक ने प्यार किया है तो भाई हमको ना बताने वाले, पब्लिक ही बताएगी भाई अच्छा क्या बुरा। बट बेस्ट है भाई, अच्छा लगा अपना हरियाणा का भाई जीत के गया। रोडीज के बारे में क्या बताएंगे भाई? रोडीज हो गया शूट वगैरह, रोडीज का पूरा। रोडीज में आप काफी ज्यादा चर्चे में थे भाई, बवाल तो क्या गया भाई, जो थे हमने वो दिखाया। रोडीज में टास्क वगैरह हुए थे, वो किए हैं। जर्नी बढ़िया थी रोडीज की, अच्छी थी, काफी मजा आया। और बहुत जल्दी आपको एक बड़े प्लेटफॉर्म पे दिखेंगे अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो। बिग बॉस, अरे बिग बॉस में देखते हैं, अभी अभी कुछ नहीं पता भाई, देखते हैं कि क्या होगा। जोगिंदर भाई जो पहली बार आते थे एनर्जी से था, थारा भाई जोगिंदर एक बार वो एनर्जी भाई सेंटर में थारा भाई जोगिंदर। अच्छा पुनी सुपरस्टार से क्या कहना चाहोगे, वो भी बिग बॉस खेल के गए भाई? पुनी सुपरस्टार एक नंबर का आदमी है, मतलब जो है वो है बेस्ट है भाई। पुनी तो मेरे को अच्छा लगा, बट कुछ चीजें थी जो उसने गलत की, जो की अच्छी नहीं लगी हिंदुस्तान को, जिसकी वजह से उसको एक दिन में जाना पड़ा। बट बढ़िया है भाई, जो डाउन टू अर्थ रहता है वही बेस्ट है मेरे हिसाब से। और फुकरा इंसान के लिए दो शब्द क्या कहना भाई? फुकरा भी बढ़िया है, बेस्ट। मतलब मैं रोडीज के अंदर था तो मैं थोड़ा लेट आया था बाहर निकल के, तो पता चला कि फुकरा बड़ा अच्छा खेल रहा है। और भाई फुकरा ना एक बढ़िया बेटा बन के, बढ़िया फ्रेंड बन के, सब कुछ ओके था। तो भाई बढ़िया है फुकरा का, काफी अच्छा देगा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया लड़का दिल्ली का। रियलिटी शोज की बात कर रहे तो आपने सबसे पहले रोडीज को एज अ फर्स्ट चॉइस किया, बिग बॉस को फर्स्ट चॉइस क्यों नहीं किया? भाई बिग बॉस का हुआ था मेरा, पर अभी नहीं बताएगा, बाद में बताया कभी। तो रोडीज मेरा मतलब मन था रोडीज खेलने का ना, शुरू से मैं रोडीज को फॉलो करता हुआ आ रहा हूँ, और अच्छा प्लेटफॉर्म था तो भाई मैं चला गया। अरे करेंगे बहुत शो करेंगे भाई, भी तो शुरू आता है मुंबई में भी आ गए। और कुछ जनता को कहना चाहोगे भाई? जनता को मैं बस एक ही बात कहूंगा जो हमेशा कहता हुआ हूँ, जो आप कमा रहे हो उसका 50% गरीब लोग को बांट दो, बस बात खत्म। हेलो जी, अच्छा आपको बाइट भी चाहिए? हैप्पी बर्थडे टू हो, जो बात हो गई होगी, बट नाउ शी इज सक्सेसिंग एंड शी इज डूइंग ग्रेट, अच्छा कर रही है वो तो। हाँ जी दरवाज़ा बंद करो, इतनी ज़ोर से आवाज़ नहीं आएगी। बट आज उसका बर्थडे है तो आई एम सुपर हैप्पी टू बी हियर एंड आई एम हियर टू विश हर लक एंड लव फॉर हर फ्यूचर। दैट्स इट, बस। और कोई क्वेश्चन? बहुत सारी चीज़ें, बट आप सबको जैसे पता है कि मैं अनाउंस नहीं करती हूँ, ये मेरा नेचर हमेशा से रहा है। बट जैसे वो प्रोजेक्ट्स आएंगे आप सबको प्राउड होगा। इट्स अ बिग बैनर ओनली और इट्स वन ऑफ माई ड्रीम प्रोडक्शन, जो मैंने हमेशा भगवान जी से मांगा था कि मैं लॉन्च हूँ, तो मैं उनसे लॉन्च हुई हूँ एंड आई एम रियली हैप्पी एंड आपको पता चलेगा। हाँ बस देखा जाएगा, पहले तो नहीं बताऊंगी मैं पक्का। नहीं बता रही मैं आप लोगों को इतनी जल्दी। मैंने खुद का नहीं देखा यार, मैं बिग बॉस OTT कहाँ से, मैं उस टाइम पे शूट कर रही थी ना, इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू वॉच। बट देन इंस्टाग्राम पे जो स्निपेट्स आते हैं वो मैंने देखे थे एंड आई थिंक इस बार के बिग बॉस ने भी बहुत अच्छा किया है एंड आई एम हैप्पी। हमेशा से ही व्यूअरशिप और TRP बढ़ती रहे, कलर्स का दुकान आगे खुला रहे हमेशा के लिए एंड दैट्स द बेस्ट थिंग। थैंक यू। आपको फिर से देख पाएंगे? ऑब्वियसली एंटरटेनमेंट में तो देखेंगे ना आप? नहीं, उस घर में नहीं। थैंक यू, थैंक यू। तो मतलब है कि आप पूरी तरह से फिल्म के लिए तैयार हैं? यस, कर रही हैं आप। मान्या हमेशा ड्रामा के लिए ही बनी थी और वो एक्टर हमेशा से ही पैदा हुई थी, क्योंकि मैंने एक्टिंग सीखी नहीं है, मुझे लाइफ ने मुझे एक्टिंग सिखाई है, तो वो डिफरेंस है, इसलिए मैं एक्टर खुद को बोलती हूँ हमेशा से। थैंक यू। बिग बॉस के बाद लॉकअप के क्या क्या तैयारी है? लॉकअप नहीं नहीं, बट आई विल डेफिनेटली आप लोगों को पता चलेगा। आई होप
आप लोगों को प्राउड फील होगा, स्पेशली मीडिया पीपल जिन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है, तो आपको सबको पता चल जाएगा जल्दी। थैंक यू, थैंक यू। ये ना स्पेशली हमेशा कॉम्प्लीमेंट करता है। अर्चना को मैं ये कहना चाहूँगी कि जितनी बड़ी पटाखा वो है उतनी हमेशा रहे, शी इज़ लाइक अ लाइव वायर, बहुत मज़ा आती है उसके साथ। एंड आई होप एंड प्रे कि उसके दिल में जितनी भी तमन्ना चाहे वो मिनिस्टर बनने की हो चाहे एक्टर बनने की हो, सब पूरी हो जाए इस साथ। कुछ खास तोहफा लाई हैं आप अर्चना के लिए? फिलहाल तो मेरा प्यार। मैं बहुत रोती हूँ, मैं क्या कंटेंट दूंगी बिग बॉस को, मैं हर वक्त रोती रहती हूँ, मैं झगड़ा नहीं कर पाती, तो आई थिंक आई एम अ वेरी बैड कैंडिडेट फॉर बिग बॉस। डन। अब तो पुरानी बात हो गई, आपको क्या पता है। सी देखिए, मैंने कुछ स्टेटमेंट सुने थे जिसमें कहा गया था कि अरे हम तो, मैं तो सबसे प्यार करती हूँ और जिसको प्रॉब्लम उसने अनफॉलो किया है। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जब किसी को दोस्त की ज़रूरत रहती है और जब दोस्त नहीं रहता तो ऑब्वियसली चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि यू नो टू बी इन एवरीवन्स गुड बुक मैं आपसे दोस्ती बना के रखूँ। मैं जो हूँ जो हूँ, अगर मुझे फीलिंग नहीं आई, आई फेल्ट कि पार्टिंग वेज इज़ बेटर। हम शर्लिन को वापस से कुंडली भाग्य में देखने वाले हैं? जी नहीं, नहीं नहीं, इट्स गोइंग टू बी समथिंग मच मोर बिगर, मच मोर बेटर एंड होपफुली सून। अरे मैं इतना रोती हूँ, मैं बोल तो रही हूँ। ठीक है, थैंक यू। यहाँ से शुरू करते हैं। पहले दोस्त की तरफ से आए, पहले दोस्त की तरफ। अरे भैया हैप्पी बर्थडे। सो बहुत 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 बेस्ट विशेस है अर्चना को मेरी तरफ से और नील की तरफ से। बिल्कुल, बहुत बहुत बधाई अर्चना, वी आर वेरी वेरी हैप्पी फॉर यू एंड हैप्पी बर्थडे। सो हाँ? वो अर्चना से पूछना हो क्या लाए, हम बता ऐसे थोड़ी ना बताया जाते, वो खुद बताएगी। आप लोगों की काफी जो हमने खतरों की खिलाड़ी देखी, काफी अमेजिंग जर्नी थी, उसके बारे में थोड़ा बताइए। बहुत यार बहुत मजा आया शुरू से लेके आखिरी तक। अर्चना शुरू से मेरी अच्छी फ्रेंड बन गई थी, वहाँ पे हमने बहुत मस्ती की है, ऑफ स्क्रीन ऑन स्क्रीन हम दोनों के कंपटीशन हुए एक दूसरे से साथ में, तो ओवरऑल जर्नी तो फैंटास्टिक रही है खतरों के खिलाड़ी। अच्छा, अर्चना का नया गाना भी आ रहा है, उस बारे में क्या क्या?
मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हो जाता हूँ. मैं मतलब एज अ लॉयल व्यूअर बैठ के देखने लगता हूँ एपिसोड जब भी खतरों के खिलाड़ी आता है. एंड आई एम रियली रियली प्राउड ऑफ हर. इनफैक्ट ऑल द खतरों के खिलाड़ी के जितने भी खिलाड़ी हैं बहुत अच्छी तरह से सबने परफॉर्म किया है. एंड थोड़ा सा ज़्यादा प्राउड इसके लिए हूँ बिकॉज आई नो कितनी मेहनत से उसने एक 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 स्टंट किया है. और जब स्टंट देख रहा होता हूँ तब मुझे बोलती थी तब मेरे साथ ऐसा हो रहा था फिर ऐसा हुआ और फिर ऐसा हो गया था मेरे साथ में. और अच्छा अच्छा तो लाइव कॉमेंट्री भी चल रही होती है. एक्चुअली वो सिचुएशन मुझे पता है ना बिकॉज मैंने स्टंट किया होता है तो मैं उसको पूरा डिटेल में बताती हूँ. तो मैं इसको बोलती भी रहती हूँ कि तुझे कितना अच्छा बेनिफिट मिल रहा है ना, मैं तेरे को सारा लाइव बता रही हूँ कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था. बाकी ऑडियंस को ऐसे यूजुअली पता नहीं चलता है कि क्या क्या हो रहा है. सो उस टाइम पे मैं क्या फील कर रही थी, कैसा लग रहा था इतनी हाइट पे पानी के अंदर कीड़ों के साथ. सो वो एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था. नील एंड ऐश्वर्या आप दोनों को फिर से फैंस देखा जाते हैं एक साथ. खबरें भी आ रही थी 2017 में आप दोनों एज अ कपल जाने वाले हो. यस, जो इस बार कपल है सिंगल का जो वे जेन्युइनली नॉट अवेयर ऑफ ऑल दी. हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं इतना हमें पता ही नहीं क्या चल रहा है यहां पर. मुंबई में है. एनीथिंग दैट यू आर प्लानिंग एनी म्यूजिक इफ देयर इज एनीथिंग न्यू कमिंग अप वी विल ऑब्वियसली लेट यू गाइस नो. यार आप लोग ही तो हो जो पहुंचाएंगे ऑडियंस तक. तो बहुत पुराना हो गया वो तो. हां शूट तो काफी पहले हो गया ना. वो लोगों का तो काम है अज्यूम करना, करने दो. यार गुमे किसी के प्यार में मिस तो इतना नहीं करती हूँ अभी क्योंकि टाइम हो गया यार. मतलब मैं एक्चुअली गुम छोड़ने के बाद से एंगेज ही रही हूँ पूरे टाइम. खतरों में डायरेक्टली चली गई थी उसके बाद. सो इतना टाइम ही नहीं मिला कुछ सोचने का. वहाँ से आने के बाद हम घूमने चले गए, घूम ही रहे. टाइम नहीं मिल रहा है कुछ सोचने का, कुछ मिस करने का फिलहाल. Hopefully soon कहीं अच्छे प्रोजेक्ट में दिख जाए. Hopefully soon, fingers crossed. कहा जा रहा है कि आप फर्स्ट कंटेस्टेंट बनी हैं बिग बॉस की, is it true? नहीं यार, अभी तो हमें पता ही नहीं क्या चल रहा है यहाँ पर. मतलब चलो अच्छी बात है. थैंक यू सो मच, अच्छा लगा जानकर. थैंक यू थैंक यू सो मच गाइस. थैंक यू सो मच. एंड वंस अगेन अर्चना हैप्पी बर्थडे. हैप्पी बर्थडे. अरे भैया मैं कोशिश की यार. ऐसे नहीं, 1 2 3 अरे भैया. अच्छा ट्राई था.